नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान हो चुका है। बता दें कि इसी बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन ब्लॉक के घट दलों नेता लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन का आकलन करने के साथ साथ चुनावी नतीजे के बाद की अपनी रणनीति बनाने के लिए आज एक बैठक करने जा रहे। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करेंगे, जिन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। बता दें कि सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर होने वाली इस बैठक में केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप सांसद संजय सिंह के साथ शामिल होंगे। पंजाब में मतदान प्रक्रिया का जिम्मा संभालने के बाद सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुँचेंगे। हालांकि मतदान में अपने शीर्ष नेताओं की व्यस्तता के चलते तृणमूल कांग्रेस इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उनके अलावा तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उनकी जगह पर आज टीआर बालू बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि बैठक के दौरान विपक्षी नेता चुनावी नतीजे से पहले अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे और 7वें चरण के चुनाव में अपने प्रदर्शन का भी आकलन करेंगे। विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है कि वह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को केंद्र में सत्ता में लौटने से रोकने और खुद की सरकार बनाने में सफल रहेगा। इंडिया ब्लॉक बनाने के बाद इसमें कुल 28 दल जुड़े थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाले नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसार रखने वाली राष्ट्रीय लोक दल जैसी कुछ पार्टियां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। बता दें कि केजरीवाल को शराब नीति के जुड़े कथित मामले में सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि बैठक लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उसके भविष्य के कदमों की समीक्षा और चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और अन्य सहित विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों की प्रमुख बैठक में आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में पीएम के चेहरे का कौन होगा दावेदार, किसके सर पर लेगा ताज।